सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोला, पेप्सी, थम्सअप में क्या क्या बुराइयां होती हैं इसके बारे में अंदाजा तो हम सभी को है। ये हेल्दी ड्रिंक्स नहीं होते, ये सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी सब गटागट इनको पिए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हमारा सवाल यही है कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर साइंटिफिकली क्या क्या बुराइयां होती हैं, क्यों इनको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है जवाबी और आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं। इस दुनिया में कितना कोल्ड ड्रिंक यानी कि चीनी वाला पानी पिया जाता है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ अकेले कोका कोला कंपनी की तकरीबन 200 करोड़ से भी ज्यादा बोतलें एक दिन में बिकती हैं। रिसर्च से ये सामने आया है कि जो लोग कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि ये चीनी वाला पानी तो है, तो जो लोग ये चीनी वाला सोडा पानी ज्यादा पीते हैं उनके मुंह में जैसे जैसे ये सोडा पानी अंदर जाता है उनके दांतों की ऊपरी परत जिसको कि एनिमल टीथ एनिमल भी कहते हैं वो धीरे धीरे उड़ने लगता है। हम सब के मुंह में कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे हम जितना भी ब्रश कर लें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। रिसर्च से ये भी सामने आया है कि जो लोग कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं उनके मुंह में शुगर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से कैविटी भी बढ़ जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर ज़्यादा होता है ये बात तो हम सभी जानते हैं, और शुगर से होती है डायबिटीज़। एक कोल्ड ड्रिंक की 300 ग्राम की बोतल जो हम पीते हैं, 300 मिलीलीटर की बोतल जो हम पीते हैं उसमें तकरीबन 50 ग्राम के आसपास शुगर होती है। कहा जाता है कि डेली इंसान को तकरीबन 2 लीटर पानी पीना ही चाहिए एक हेल्दी ज़िंदगी के लिए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के शौकीन इतने शौकीन होते हैं कि वो जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर अपने पानी को रिप्लेस कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक से। यानी कि कोल्ड ड्रिंक के लिए एक्स्ट्रा पैसे तो देते ही हैं, साथ साथ उसके ऊपर अपनी सेहत भी रख के फ्री में दे देते हैं। अगर कोई अपने रोज़ के 2 लीटर पानी में से करीब 50% यानी कि 1 लीटर पानी भी कोल्ड ड्रिंक से रिप्लेस कर रहा है, टाइम पर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो रोज़ की अगर हम 3 या 4 कोल्ड ड्रिंक भी लेकर चलें, 1 लीटर भी कोल्ड ड्रिंक लेके चलें, तो आप दिन की तकरीबन 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो। सिर्फ 80 कैलोरीज बर्न करने के लिए इंसान को कम से कम 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक करनी पड़ती है, और कहाँ आप ले रहे हो 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा, तो फिर मोटे क्यों नहीं होगे? वैसे तो मोटे होने की बहुत सारी वजह हो सकती है, मैं सारा का सारा ब्लेम कोल्ड ड्रिंक्स पर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन एक रिसर्च जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है उससे ये पता लगा है कि हर 5 मोटों में से एक मोटा इंसान मोटा इसलिए है क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीता है। और इसकी वजह यह भी है कि कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी चीज़ है जिसको कि इंसान मज़े ले लेकर पीता है, जैसे दारू के साथ चखना चाहिए होता है वैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त हम लोग ज़्यादा जंक फूड इन्जॉय करते हैं, बर्गर ला, फ्राइज़ ला, चिप्स ला। जैसे जैसे हम ये जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे हमारी शुगर इंटेक, कैलोरीज इंटेक ज्यादा होती रहती है, नतीजा ओबेसिटी। दोस्तों यहीं पर ही बस नहीं होता, ये कोल्ड ड्रिंक मेकिंग कंपनीज अपने कोल्ड ड्रिंक्स को मीठा बनाकर बेचने के लिए हमारे और आपके घरों में पाए जाने वाली आम चीनी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि यूज करते हैं हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का। क्यों? क्योंकि यही सबसे सस्ता मिलता है मार्केट में, जो सबसे सस्ता स्वीटनर मार्केट में मिलता है चीनी से भी सस्ता होता है, ये लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, वही हम और आप लोग पीते हैं। इसके अब ये हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का केस ये होता है कि ये उतने अच्छे तरीके से एक इंसानी शरीर में हजम नहीं हो पाता जितने अच्छे तरीके से हम रेगुलर चीनी को हजम कर लेते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि हमारे लीवर में फैट की मात्रा बढ़ती रहती है। लीवर में फैट का बढ़ना यानी कि हमारे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं डायबिटीज़ के। साइंस कहता है कि खाना खाते वक्त हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स इंसुलिन और लेप्टिन स्टिमुलेट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ये सिग्नल पहुंचाते हैं कि कब हमारा पेट भर गया भैया रुक जा। रिसर्च से ये सामने आया है कि जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं और जिसकी वजह से जब लीवर में ज़्यादा फैट हो जाता है तो इन 2 हार्मोन्स की फंक्शनिंग काफ़ी स्लो हो जाती है, जिससे कि हमको ये सिग्नल मिलने भी स्लो हो जाते हैं कि कब हमारा पेट भर गया, और हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं, हमारी भूख बढ़ जाती है, हमारी एपेटाइट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ओबेसिटी यानी कि मोटे होने की राह पे हमारे कदम और तेज़ हो जाते हैं। इन 2 हार्मोन्स लेप्टिन और इंसुलिन की कमी की वजह से, इनकी स्लो फंक्शनिंग की वजह से हमको एक और ख़तरा बढ़ जाता है डायबिटीज़ होने का। अब इसको नेचर कह लीजिए कि इंसान की जबान को हमेशा ये मीठा लिक्विड का टेस्ट अच्छा लगता है, जब ये सोडे का पानी हम पीते हैं तो हमारे मुंह में कीटाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद बढ़ जाती है जिसकी वजह से हो जाती है कैविटी, और जब जैसे जैसे हम ये कोल्ड ड्रिंक पीते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे जो जबान में लगे हुए रिसेप्टर्स होते हैं वो मैसेज भेजते हैं हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को, हमारे दिमाग में एक्टिवेट हो जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर डोपमिन, जो कि जब रिलीज होता है दिमाग की नर्व्स में तो हमारा रिवॉर्ड सेंटर, दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से हमको और ज़्यादा पीने का मन करता है, और फाइनली हम कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा मांगते हैं और हमारा दिल कहता है ये दिल मांगे मोर।
तो ये तो थी कुछ बातें कोल्ड ड्रिंक्स की शुगर और कैलोरीज को लेके। अब अगर इस वीडियो को देखने वाले मेरे कुछ दोस्त सिर्फ इसलिए खुश हो रहे हैं कि वो तो रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीते, वो डाइट कोक, डाइट पेप्सी वगैरह, डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो वो भी कान खोल के जरा इस बात को सुन लें, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च से ये प्रूफ हो गया है कि शुगर यानी कि जो भी हम लिक्विड मीठा पीते हैं उसका टेस्ट ही कुछ इस तरीके का होता है कि उसमें चाहे आर्टिफिशियल शुगर यूज़ हो या रेगुलर शुगर यूज़ हो, सिर्फ उसके टेस्ट की वजह से ही इंसान के शरीर में भूख ज़्यादा लगती है और वो ज़्यादा खाता है। इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी होता है ज़्यादा खाने का उन लोगों के लिए जो कि डाइट कोक, डाइट पेप्सी वगैरह पीता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई डाइट पेप्सी या डाइट कोक पी रहा है तो उसके दिमाग में ये बात रहेगी कि भाई इसमें तो कैलोरीज ज़ीरो हैं, मैंने अपनी कैलोरीज इनटेक तो कम कर ली हैं, इसका मतलब कि मैं कुछ और खा सकता हूँ। और नतीजन वो लोग ज़्यादा खाते हैं एक लार्ज बर्गर, लार्ज फ्राइज वगैरह, वो कुछ ना कुछ आइटम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कैलोरीज इनटेक, ओबेसिटी की राह पे आपके कदम फिर से तेज होते चले जाते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक पीने से हमारी एजिंग भी थोड़ी थोड़ी फास्ट हो जाती है। हमारे क्रोमोसोम्स के एंड पर एक टेलोमेरस नाम की कैप, एक प्रोटेक्टिव परत होती है जो कि हमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ छोटी होती रहती है, सिकुड़ती रहती है। रिसर्च से ये सामने आया है कि जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा मतलब लेट से आधा लीटर पर डे, अगर आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक भी डेली की पीते हैं तो आपकी बॉडी में भी ये टेलोमेरस सिकुड़ने यानी कि छोटे होने की जो रफ्तार है वो उतनी ही हो जाती है जितने की एक चेन स्मोकर की। एक चेन स्मोकर की जिंदगी में भी उसके भी टेलोमेरस ज्यादा तेजी से सिकुड़ते हैं जिससे कि उसकी एजिंग भी फास्ट होती है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें सॉफ्ट ड्रिंक्स की खामियों को लेकर। ये सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए था, अब इसको छोड़ें या कम करें ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरा मशवरा ये रहेगा कि कम से कम कम ज़रूर कर देनी चाहिए, क्योंकि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर अपने कोई खूबी, अपने कोई खासियत, कोई क्वालिटी नहीं होती है, इसीलिए इनको बेचने के लिए कंपनी साइनअप करती हैं बड़े बड़े एक्टर्स को और हम बेवकूफ़ बन के खरीद के पीते रहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फिर लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। जैसे जैसे मेरे ये वीडियोस बनेंगे आप तक पहुँच पाएंगे, एक बेल का नोटिफिकेशन, एक बेल का आइकन आपको दिखेगा, आप उसको भी दबा दीजिए जिससे कि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए जैसे जैसे मेरे चैनल में वीडियो बने। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।